आज हम एक ऐसी डिश बनाने वाले हैं जो झट से बन जाती है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं रवा आप्पे। तो रवा आप्पे को यानी सूजी का बनता है ये, इसे और क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए झट से शुरू करते हैं। तो एक कप मैंने सूजी ले लिया है यानी रवा ले लिया है, और उसी कप से थोड़ा कम यानी 3/4 कप जो है वो दही ले लिया है, और ये दोनों चीज़ों को कटोरे में डालकर और फिर आधा चम्मच इसमें नमक मिला दिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं अब, और फिर उसके बाद पानी की बाद में और ज़रूरत पड़ेगी तो आप और ऐड कर सकते हैं। फिर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसे आप जितनी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे फेटेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, जब तक आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और फट से लाइक कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बताती रहूँ। तो आपने शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दिया है, यहाँ पर ये भी रेडी हो गया है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक के करीबन 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और अब हम ले लेंगे पैन, पैन में डालेंगे हम तेल। तेल अगर आप देखेंगे तो लगभग बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल आप डाल सकते हैं। फिर उसमें आधा चम्मच करीबन हम राई डालेंगे यानी मस्टर्ड सीड, और कड़ी पत्ते को आधा आधा तोड़कर हम बहुत सारे कड़ी पत्ते डाल देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च, जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और फिर 1 चम्मच लगभग हमने इसमें डाल दिया है अदरक बारीक कुटी हुई, और फिर 1 छोटी साइज की प्याज को बारीक काट लिया था वो भी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक जो है वो चला लेंगे, जब तक प्याज का कलर हल्का चेंज ना हो जाए, जब तक प्याज हल्की नर्म ना हो जाए तब तक हम चला लेंगे। लेकिन इसे हमें लो फ्लेम पे चलाना है, क्योंकि प्याज हल्की नर्म होने तक हमारी जो राई है वो जलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए लगभग 1 से 2 मिनट हो गया है, फ्लेम को कर लेंगे ऑफ और उसे ठंडा होने देंगे, और फिर इसे खोल के देखेंगे 15 मिनट बाद तो ये भी रेडी हो गया है। तो वो भी ठंडा हो चुका है तड़का भी, तो तड़के को हम इसके अंदर मिला देंगे जो हमने रवा और दही और नमक का बैटर बनाया था। फिर इसमें हमने इस तड़के को मिला दिया। अब हम इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डालेंगे, और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और फिर इसे अच्छी तरीके से मिला दीजिए। और फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच या 1 चुटकी आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा नहीं तो आप इनो भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद इस तरीके से इसे और अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लेंगे दोबारा से। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए इसे आप और कौन सी तरीके से बना सकते हैं। तो इसे मिक्स करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना पानी चाहिए, कितना पतला चाहिए। देखिए पेस्ट जो है वो इस तरीके का हो जाना चाहिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब ये मिक्स हो चुका है। अब अप्पे का जो पैन आता है वो बाजार में अलग से आता है, वो मैंने रख दिया है गैस पे, और सारे में अच्छी तरीके से तेल लगा लेना है ताकि जब हम इसमें बैटर डालें तो वो नीचे से चिपके नहीं, इसीलिए सारे इसमें अच्छी तरीके से आपको तेल लगा देना है। तो अब तेल लग चुका है, अब हम इसमें 1-1 चम्मच या आपको जितना रिक्वायर्ड है, जितना इसका साइज है उतना हम इसमें बैटर डाल देंगे। तो इन सब में हमें बैटर डाल देना है। जितना हमने मिक्सचर बनाया है, बैटर बनाया है, उसमें लगभग मेरे हिसाब से 15 से 18 के बीच में रवा आप्पे बन जाता है। बैटर डालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपको लो रखना है। अब लगभग हमने सब में बैटर डाल दिया है, अब हम इसे ढक देंगे और ढक के हम 3 से 4 मिनट तक इसे पकने देंगे धीमी आंच पे, और फिर उसके बाद इसे खोल के देखेंगे। बीच में भी आप इसे खोल कर देख सकते हैं, अगर ये एक साइड से आपको लग रहा है हो गया, देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है क्योंकि हमने तेल अच्छे से लगा दिया था। तो एक साइड से अगर आपको लगे कि ये हो चुका है तो आपको इसे धीरे धीरे करके इस तरीके से टर्न कर देना है दूसरे साइड, ताकि ये दूसरे साइड भी पक जाए। जितनी देर तक आप इसे बेकिंग सोडा डाल के और फेंट के रखेंगे उतना अच्छा ये फूगेगा। दूसरे साइड भी टर्न करके इसे ढक के 2 से 3 मिनट आपको धीमी आंच पे पका लेना है, क्योंकि एक साइड ये ऑलरेडी पक चुका था तो दूसरे साइड आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। और इस तरीके से 1-1 करके फिर चेक कर लेना है 2 से 3 मिनट बाद, बीच में भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये सारे जो है अप्पे वो तैयार हो चुके हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग, 1-1 करके हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए मैं स्टिक से उठाया, स्टिक में बिल्कुल भी लगा नहीं है, यानी ये अंदर से भी अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब हमने इसकी कर ली है प्लेटिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये लगभग 15 से 18 जो है वो अप्पे तैयार हो चुका है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे आप नारियल की चटनी के साथ खाइए, आप हरी चटनी के साथ खाइए, आप टमाटो केचप के साथ खाइए, हर तरीके से ये अच्छा लगता है और एनी टाइम आप खा सकते हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए ये अंदर से भी एकदम तैयार हो चुका है। सो हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट
रवा अप्पे तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, इंस्टा पे भी फॉलो करिए और इसी तरीके से बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।